आज भुट्टा फ्राई करने देखिए, चूल्हा सिल गया कि कढ़ाई चढ़ाई, कढ़ाई के अंदर मैं आधा चमचा तेल डाली, तेल को गरम अच्छा होने दी देखिए, उसके अंदर मैं ये भुट्टे के पूरे मैं निकाल के रखी थी तो इसके अंदर डाली, कल उबाली थी देखिए मैं नमक डाल के, तो बच्चे नहीं खाए तो रात में फ्रिज में रखी, मैं फ्रिज में रख के सुबह में पूरे इसके दाने निकाल के इसको फ्राई कर रही हूँ देखिए, अगर ऐसी अगर रखे तो फेंकने में जाते, अगर फ्राई कराए तो अच्छा बच्चे खाते देखिए, तो इसको अच्छा पूरा मैं क्या करी, अच्छा भून ली इसको, अच्छा 10 मिनट पूरा भुनी देखिए, अच्छा उसको 10 मिनट के बाद इसमें 1 चमचा चाट मसाला, आधा चमचा मिर्ची, नमक तो अपने हिसाब से डाल लेना देखिए, डाल के उसको अच्छा भुनी देखिए, कम से कम उसको 10 मिनट भुनी, 10 मिनट के बाद उसको चल्ला कम पे करके उसको धीमे चूल्हे पे अच्छा भुनी देखिए उसको, तो इतने मज़े के और इतने टेस्ट होते हैं कुछ पूछना नहीं उसके अंदर। फिर इसके बाद मैं आधा नींबू डाली इसको, आधा नींबू डाल के होगा देखिए पूरा इसको, पूरा मैं चूल्हा बंद करी, चूल्हा बंद करके अब इसको कटोरे में डाल के बताती हूँ देखिए मैं आप लोगों को। लाइक और शेयर करिए फराना कुकिंग को।